हेलो दोस्तों, वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। आप सबको पता है कि ब्लड सेल्स जो अपना ब्लड कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स है वो 45% होती है, जिसको हम सेलुलर पार्ट भी बोलते हैं। तो 45% होती है जिसको हम सेलुलर पार्ट भी बोलते हैं। तो अब और आर जो अपनी ब्लड सेल्स है वो तीन टाइप से होती है, जैसे RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती है। सामान्य हम तीनों को कंबाइंड करके पढ़ते हैं, जैसे कि इनका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है हेमोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे देखो, हेमेटो और पोइसिस, हेमो मतलब हेमेटो मतलब होता है ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो देखो, ये दोनों ब्लड सेल्स और फॉर्मेशन, हेमेटो मतलब होता है ब्लड सेल्स और पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हेमेटोफोइसिस, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं उसके जो बनने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। अब हम पढ़ेंगे तो अपनी ब्लड सेल्स है वो मोस्टली कहां पे बनती है? बोन मेरो के अंदर। जैसे कि ये लॉन्ग बोन है, तो हम इसका थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कि ये यहां पे ये एपिथीलियस है ना, यहां पे होता है अपना येलो बोन मेरो। और यहां पे होते हैं स्टीम सेल्स। स्टीम सेल्स तीन होती है, RBC, WBC प्लेटलेट्स। RBC, WBC प्लेटलेट्स। और यहां पे ही इसका फॉर्मेशन होता है, अपनी जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो के अंदर जो यहाँ पे ये नीचे वाला ये है, यहाँ पे होता है फॉर्मेशन। स्टीम सेल्स होती है, स्टीम सेल्स तीन होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो हम बोल सकते हैं जो अपनी ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है या फिर उनकी जो अपना ये RBC है ये बनती है बोन मेरो के अंदर। ब्लड सेल्स है वो, सॉरी ब्लड सेल्स है वो बनती है बोन मेरो में। मोस्टली ब्लड सेल्स बनती है बोन मेरो के अंदर। और फिर इनकी जो बनने जो अलग अलग वो अलग अलग जगह जैसे अलग 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 पढ़ेंगे हम, तो वहां पे अलग अलग बता देंगे इनकी जो। अब पढ़ेंगे हम RBC, पहली लेंगे RBC, पहली ब्लड सेल्स कौन सी है? RBC रेड, RBC रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स इसके नाम में छुपा हुआ है। देखो, इसको टुकड़ों में पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है जो बड़े हो तो उसको हम अगर टुकड़ों में करके पढ़ेंगे तो वो हमें जल्दी याद होगी। ये देखो इरिथ्रो और यह है साइट। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और साइट का मतलब होता है उसका फॉर्मेशन। साइट का मतलब होता है सेल।
आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसके नाम इसको देखो ऐसे देखते हैं, इरिथ्रो, इरिथ्रो मतलब होता है रेड और साइट मतलब होता है सेल, तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी। अब इसकी जो आरबीसी है इसकी नॉर्मल हम काउंट देखते हैं। नंबर ऑफ काउंट आरबीसी, आरबीसी की जो काउंट है मोस्टली, मतलब कि वैसे तो अलग अलग फीमेल के अंदर अलग होती है, मेल के अंदर अलग होती है, इन्फेंट के अंदर अलग होती है, पर हम एक काउंट एक जगह देख लेते हैं तो ये होती है 4.5 से 5.5 मिलियंस पर एमएम क्यूब। आरबीसी की काउंट है वो मोस्टली होती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। और जब आप देखते हैं आरबीसी की सेफ, आरबीसी की सेफ होती है 2 बाई कॉनकेव। अब ये 2 बाई कॉनकेव तो हम ये ऐसे देखते हैं, बाई कॉनकेव की होती है मतलब कि चाहे तो आरबीसी की सेफ राउंड राउंड भी हो सकती है, एकदम गोल भी हो सकती है, बट ये बाई कॉनकेव सेफ होती है। ये देखो ये आरबीसी की सेफ है, बाई कॉनकेव सेफ इसलिए होती है क्योंकि जो आरबीसी है ये देखो इरिथ्रो और ये है साइट। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और साइट का मतलब होता है उसका फॉर्मेशन, साइट का मतलब होता है सेल। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसके नाम इसको देखो ऐसे देखते हैं, इरिथ्रो, इरिथ्रो मतलब होता है रेड और साइट मतलब होता है सेल, तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी। अब इसकी जो आरबीसी है इसकी नॉर्मल हम काउंट देखते हैं। नंबर ऑफ काउंट आरबीसी, आरबीसी की जो काउंट है मोस्टली, मतलब कि वैसे तो अलग अलग फीमेल के अंदर अलग होती है, मेल के अंदर अलग होती है, इन्फेंट के अंदर अलग होती है, पर हम एक काउंट एक जगह देख लेते हैं तो ये होती है 4.5 से 5.5 मिलियंस पर एमएम क्यूब। आरबीसी की काउंट है वो मोस्टली होती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। और जब आप देखते हैं आरबीसी की सेफ, आरबीसी की सेफ होती है 2 बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, अब ये बाई कॉनकेव तो हम ये ऐसे देखते हैं, बाई कॉनकेव की होती है मतलब कि चाहे तो आरबीसी की सेफ राउंड राउंड भी हो सकती है, एकदम गोल भी हो सकती है, बट ये बाई कॉनकेव सेफ होती है। ये देखो ये आरबीसी की सेफ है, बाई कॉनकेव सेफ इसलिए होती है क्योंकि जो आरबीसी है आरबीसी जो ब्लड फ्लो होती है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी है ना, उसकी प्रोसेस जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है या आरबीसी जो फ्लो होती है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, तो जैसे वो आराम से निकल जाती है, इसलिए इसकी सेफ है वो बाई कॉनकेव सेफ होती है। और आरबीसी का डायमीटर है वो अलग अलग होता है, जैसे कि ये देखो ये यहाँ से साइडों के अंदर आरबीसी की सेफ है, ये थोड़ी उभरी हुई है, तो इसका डायमीटर यहाँ से होता है 2 माइक्रोमीटर, और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है तो इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 1 माइक्रोमीटर। वैसे मोस्टली रूप से हम आरबीसी का डायमीटर है वो यही देखते हैं। दो माइक्रोमीटर,
तो आरबीसी की सेफ देख ली, बाइकॉनकेव सेफ होती है, आरबीसी का डायोमीटर होता है वो होता है 2 माइक्रोमीटर। अब हम देखेंगे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस पर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, और आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्मिक भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्मिक भी प्रेजेंट नहीं होते हैं आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्मिक भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मतलब हम ले लेते हैं जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपेरेटस है, ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। और आरबीसी का फॉर्मेशन है वो बोन मेरो के अंदर होता है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था, पर मोस्टली वो कॉमन बताया था, तीनों का बोन मेरो के अंदर होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के अंदर। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के बोन आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के अंदर। और जब आरबीसी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, यानी कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और आरबीसी बनती है, तो वो प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। जब आरबीसी की फोर और आरबीसी की जो फॉर्मेशन की वो प्रोसेस है वो मोस्टली कंप्लीट होती है 7 डेज के अंदर। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है या फिर उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो मोस्टली रूप से कंप्लीट होती है 7 डेज के अंदर। और जब आरबीसी की प्रोसेस होती है तो वहां से आरबीसी की जब प्रोसेस होती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी से, हार्मोन। हार्मोन्स रिलीज होता है या फिर हार्मोन्स सिक्रेट होता है इरिथ्रोपोइटिन। जब आरबीसी की फॉर्मेशन की जब प्रोसेस होती है तब हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है इरिथ्रोपोइटिन। और अब आरबीसी का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिस। और जब आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जब आरबीसी का लेवल धीरे धीरे नीचे आ जाता है यानी डाउन होने लग जाता है या फिर डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपीनिया। इसी प्रकार और आरबीसी का जो कलर है वो हीमोग्लोबिन के कारण अब हम पढ़ेंगे आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है यानी कि आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है 120 डेज की। और आरबीसी अब हम पढ़ेंगे अपनी जो आरबीसी है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका मेन कार्य क्या होता है। उसका मेन कार्य ये होता है कि जो ऑक्सीजन है यानी जो एफ अपन ले लेते हैं कि गैसेज, उसका ट्रांसपोरेशन करना, यानी कि गैसेजों का ट्रांसपोरेशन करना। मतलब अपनी जो आरबीसी है उसका मेन फंक्शन यही है कि जो गैसेज होती है उनका ट्रांसपोरेशन करना, जैसे कि जो अपना जैसे कि ऑक्सीजन है उसको टिश्यू तक पहुंचाना और फिर टिश्यू से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी जो लंग्स होती है वहां तक पहुंचाना। तो मेनली रूप से ऑक्सीजन अपनी जो आरबीसी है उसका फंक्शन यही होता है कि जो O2 है उसको टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से CO2 को लंग्स तक पहुंचाना।